गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यार आप लोगों के स्कूल में एग्जाम एग्जाम नहीं चल रहे? 10th वालों को एग्जाम चल रहे हैं? सर चल चल रहे रहे सर, कल हैं। 20 20 तारीख तारीख से से एग्जाम हैं भी होंगे अच्छा सर, 20 तारीख से है प्री बोर्ड। 20 तारीख से हैं तो इनके नंबर तो अभी इसके तो काउंट नहीं होंगे ना मार्क्स वर्क्स को? सर प्री बोर्ड के कौन मार्क्स, वो तो टीचर को जितने देने होते उतने ही देते। समय तो अच्छा 6 तारीख को प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। प्रैक्टिकल भी है। हमारे स्कूल में कह रहे हैं कि सर जिसके अगर मान लो बोर्ड नहीं हुआ तो फिर इसके मार्क्स पड़ेंगे। अच्छा ऐसा थोड़ी ये होगा सर यार। ये तो बोला है सर, ये तो बोला है। हाँ वो तो बोर्ड क्यों नहीं होगा, हमेशा कोरोना चलता रहेगा क्या? डरा रहे हैं सर ताकि बच्चे अच्छा पढ़े इसमें। क्योंकि इस टाइम पढ़ाई भी नहीं हुई ना। यस सर। अल्टरनेटिंग करंट पूरा हो जाएगा 20 तारीख तक लगभग। हाँ हो जाएगा आराम से। हो जाएगा सर। हाँ यार तो उससे पहले ही हो जाएगा, 20 तारीख तक तो आप अगला भी कर लोगे। ओके सर। दो तीन क्लास और लगेंगी मैक्सिमम, इसमें आज की क्लास के बाद दो क्लास और लग जाएंगी। यस सर, तो पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। आपके ऊपर है, आप लोग कितना फास्ट समझते हो चीज़ों को। आज की क्लास में मेन मेन चीज़ें आज हो जाएंगी, उसके बाद तो फिर छोटी मोटी चीज़ें बचेंगी। ठीक है तो पेपर आप लोगों के चल रहे हैं, चलो अच्छी बात है, पढ़ाई करो फिर। कोरोना इस बार तो एक और वेव आएगी बस, मेरे को लगता है थर्ड वेव तो थोड़ा बहुत आएगी, फिर तो शांति हो जाएगा मामला, कल खत्म हो जाएंगे सर मेरे। कल खत्म हो जाएंगे। ओके गुड। फिजिक्स का हो गया? अच्छा यस सर, पहला उसी का था। तो ठीक था, पेपर सही है? यस सर, पर ब्लेंड ही दे दिया बहुत। हमारा आधा सब्जेक्टिव था आधा ऑब्जेक्टिव था, और अच्छा 1 घंटे का था, तो 1 घंटे में लंबा पेपर दे देगा। सारे पेपर लंबे दे दिए। चलो कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। सर हर पेंडेमिक में थर्ड वेव तो आती ही है। ऐसा होता है क्या? जैसे मतलब अभी तक मतलब हर साल 100 100 साल के अंदर जितने भी पेंडेमिक हुए हैं उसमें दो तो आई सौ है। 2018 का जो आया था उस टाइम पे तो शायद, सॉरी 1918-20 में जो उन्नीस आया सौ था अठारह यस सर स्पेनिश फ्लू, उसमें तो सेकेंड यस वेव सर का था, थर्ड आई थी क्या उसमें? यस सर सर उसमें तो 5 करोड़ के करीब लोग मर गए थे। हाँ लेकिन उसमें जो थी मेरे ख्याल से सेकेंड वेव सबसे खतरनाक थी, और सेकेंड तक ही देखा था, थर्ड भी पता नहीं शायद। सर वो भी तो 2 साल तक चली थी। आपको पता उसका नाम स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा था? सर अच्छा एक्चुअली उसका जो था ना ओरिजिन तो कहीं और से हुआ था, लेकिन उस समय एक्चुअली वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मतलब वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म ही हुआ था, 18 की बात है, 1918 की। तो सारे देशों में मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि कोई खबर आउट नहीं करेगा ज़्यादा, तो इसलिए जो लोग मर रहे थे या पेंडेमिक फैल रहा था उसकी खबर ज़्यादा आउट नहीं हो रही थी बाकी देशों से। लेकिन स्पेन स्पेन जो था वो वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल देश था, उसने किसी तरह पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वहाँ पे मीडिया को छूट थी, तो मीडिया ने वहाँ पे ढंग से रिपोर्ट किया होगा, तो वहाँ ज़्यादा खबर आ गई कि यार इतने लोग मर गए, फैल गया, ये हो गया, तो उसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। और होती है, और किसी और कारण से कुछ और रीजन बन जाता है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सब सर्किट देख लिए थे जिसमें ओनली आर होता है, ओनली एल होता है, ओनली सी होता है, ये सब देख चुके हैं। अब इसके कॉम्बिनेशन है एल आर, आर सी, एल सी और एल सी आर। तो पहले हम एल सी आर देख लेते हैं जो सबसे बड़ा होता है, अगर आप एल सी आर कर लोगे तो बाकी तो फिर आपके हो ही जाएंगे एल आर वगैरह। तो अब हम देखते हैं कि एल सी आर सर्किट जब आपका होता है तो उसमें क्या क्या हमारा करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। अच्छा इसमें जब हमारा केबल एल होता है तो कौन आगे होता है, इसमें करंट होता है वोल्टेज आगे? इसमें कौन आगे होता है, वोल्टेज कितना डिग्री 5/2 90 वोल्टेज अहेड बाय 90, और आर वाले में करेक्ट। आर में करंट आगे सर होता मैं है? नो सेम होता है, सेम होता है फेज सेम होता है। सर मैंने उसका कैपेसिटर का बता दिया तो भी रेजिस्टेंस में तो सेम होता है। सी वाले में करंट आगे होता है? तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि इसमें करंट आगे हो जाता है, जो हमने डेरिवेशन किया था इसका, फेजर जो है करंट, या तो हम ऐसे बनाते हैं, यूजुअली ऐसे बनाते हैं फेजर।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर करने को तो वी यहाँ कर दो, आई यहाँ कर दो, लेकिन यूजुअली ऐसा बनता है। यहाँ पे वोल्टेज आगे है तो यहाँ पे जो आपका आई यहाँ पे होगा, वी यहाँ पे होगा, तो फेजर यूजुअली ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं कि कॉम्बिनेशन अगर हम तीनों को एक साथ लगा दें तो क्या होगा, फिर उससे आपका दो को भी क्लियर हो जाएगा, अगर दो को एक साथ लगाएं तो क्या होगा। तो तीनों को अगर हम लगाएं तो सर्किट को हम एलसीआर सर्किट बोलते हैं, या आरएलसी बोल लो, या कुछ भी बोल लो। तो एलसीआर सर्किट देखते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन, हमारे पास पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आपके सिलेबस में भी नहीं है। जो लोग एडवांस में क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बहुत वहाँ डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है बस, लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं आपसे, अदरवाइज हमारे सारे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात चलेगी। तो एलसीआर सर्किट का मतलब कि हम तीनों को सीरीज में लगा दें, पहले किसी को भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मान लो मैं कुछ भी लगा देता हूँ, इंडक्टर लगा दिया, रेजिस्टेंस पहले लगाया, फिर इंडक्टर लगा दिया, फिर कैपेसिटर लगा दिया, और इनको एक जो है एसी करंट से, बैटरी से कनेक्ट किया। अगर मैं डीसी से करूंगा तो क्या होगा, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, एल और सी का कुछ। हाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, पहले करंट फ्लो करेगा शुरू में, फिर एक बार जीरो हो जाएगा, है ना। तो करंट आपका शुरू में फ्लो करेगा और फिर वो जीरो ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी, ट्रांजिट करंट वाले केस बन जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा डीसी को फाइनली। तो डीसी के केस में ऐसा कुछ हो जाएगा। लास्ट टाइम शायद कुछ पूछ रहे थे कि शुरू में कैसे फ्लो कर जाता है कैपेसिटर में, ये तो डीसी करंट। तो एक्चुअली शुरू में जब करंट आपका वेरी कर रहा है तो ना तो डीसी है ना वो एसी है, इसको नहीं पता ना सर्किट को कैसा करंट है, वेरिएबल करंट है तो फ्लो कर जाता है, लेकिन जब स्टेबल होता है करंट तब कैपेसिटर इसको अलाउ नहीं करता फ्लो करने को। तो डीसी के केस में ऐसा वो बनता है आपका, लेकिन हम लोगों ने कनेक्ट किया है एसी सोर्स। एसी सोर्स का जो सिंबल है वो देख लो आप, ऐसा हम बनाते हैं हाइफन टाइप का। तो ये एसी सोर्स है आपका, अब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो करंट सीरीज में है, सेम होगा तीनों से, तो करंट जो है तीनों से सेम पास होगा। ओके, और करंट इक्वल होगा तीनों में, ऐसा भी नहीं हो सकता करंट डिफरेंट हो, क्योंकि करंट हर जगह बराबर होना चाहिए। तो अगर करंट बराबर है तो करंट हर जगह पीक सेम आएगा, उसका जीरो सेम आएगा, एक साथ आएगा तीनों में, पीक सेम आएगा। तो तीनों में जो करंट होगा वो क्या होगा, तीनों का करंट एक फेज में होगा, राइट है ना। अगर मैं करंट लिखूं, चाहे मैं कैपेसिटर का लिखूं, चाहे मैं रेसिस्टेंस का लिखूं, चाहे मैं इंडक्टर का लिखूं, तीनों का करंट सेम है, तो तीनों को सेम एक जगह पे लिखेंगे, अलग अलग फेज में नहीं लिखेंगे। वोल्टेज अभी देखोगे आपको वोल्टेज अलग अलग आएगी, लेकिन करंट सबका एक फेज में होगा। अब अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस में और करंट और वोल्टेज में क्या होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं, तो वी आर और आई जो है सेम फेज में होंगे। इंडक्टर में क्या हो जाएगा, आई तो सेम होगा लेकिन वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट आगे हो जाएगी 90 डिग्री, और कैपेसिटर में पीछे हो जाएगी। तो करंट तीनों में सेम होगा लेकिन वोल्टेज जो है अलग अलग आएगी। तो जब आप फेजर डायग्राम बनाओगे इनका, तो आई तो यहीं पे बनाएंगे, लेकिन हम वीएल और वीसी को यहाँ पे बनाएंगे और वीआर को यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ तीनों को, सब तीनों का सबको। यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि तीनों में वोल्टेज अलग अलग फेज में होने का मतलब कि वैल्यू पीक जो है अलग अलग टाइम पे आ सकती है। जब एक का पीक आ रहा होगा दूसरे का हो सकता है जीरो चल रहा हो, क्योंकि 90 डिग्री का डिफरेंस है। एक का हो सकता है पॉजिटिव पीक चल रहा हो, एक का नेगेटिव पीक चल रहा हो। जब वीएल मैक्सिमम होगा तो वीसी नेगेटिव पीक पे चल रहा होगा अपनी, क्योंकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे जब वोल्टेज होंगी इनके अक्रॉस, वो जो है अपने हिसाब से अलग अलग वैल्यू मेंटेन करेंगी। एंड इस जो हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कौन सी वोल्टेज की बात चल रही है, ये मैंने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है या आरएमएस वोल्टेज है या मीन वोल्टेज है।
आरएमएस, ये आरएमएस की बात चली, हम कुछ नहीं बोलते तो आरएमएस वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे जो भी हम वोल्टेज शो कर रहे हैं, दीज ऑल वोल्टेज आर द, क्योंकि बात जो कर रहा हूँ यहाँ पे सारी, मैंने कहीं बोला नहीं कुछ कौन सा वोल्टेज, तो ये आरएमएस वोल्टेज है एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं कि उसका पीक आएगा, उसकी वैल्यू इतनी होगी। क्योंकि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अगर मैं लिखूंगा तो उसका ये फेजर चेंज होता जाएगा। मान लो वीएल में वोल्टेज की बात करूँ तो वीएल जो है यहाँ पे है ना, और कुछ टाइम में वीएल कम भी होगा, कभी ज्यादा भी होगा, तो ये फेजर आपका हमेशा वेक्टर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कभी इतनी हो जाएगी कभी इतनी हो जाएगी। तो अगर मैं कॉन्स्टेंट वैल्यू बना रहा हूँ फेजर की, तो मैं कौन सी वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, आरएमएस वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, है ना, इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये होती, अभी चलो देखेंगे इसमें, तो फिर कुछ और फर्क पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। एनीवे, ये आई वोल्टेज। अब मैं अगर तीनों की वोल्टेज को ऐड करूं आरएमएस वोल्टेज को, तो वेक्टर की तरह ऐड करना पड़ेगा, अलग अलग पीक आ रहा है सबका प्लस माइनस करके। तो पहले तो इन दोनों को ऐड करते हैं, वीएल और वीसी को। अब इसमें या तो एल ज्यादा होगा या सी ज्यादा होगा। अगर एल ज्यादा होगा तो हम कैसा सर्किट बोलते हैं उसको, इंडक्टिव सर्किट होगा एक तरह से, इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। और अगर सी ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। तो मान लो कि वोल्टेज इंडक्टर में ज्यादा है, डिपेंड करता है वैल्यू कितनी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो इंडक्टर में ज्यादा है, तो जब इन दोनों की नेट वोल्टेज निकालोगे तो यहाँ पे जो नेट वोल्टेज आएगी वो इधर को आएगी, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, VL माइनस VC, ठीक है। तो हमने इन दोनों की वोल्टेज को ऐड कर लिया, इंडक्टर की वोल्टेज RMS और कैपेसिटर का RMS। अब बचा रहे उधर को कैसे आ गई, क्योंकि VL को ज्यादा माना ना हमने, अज्यूम कर लिया हमने कि VL ज्यादा है। अगर आप कैपेसिटर को ज्यादा मानोगे तो नीचे बना लोगे। अब हमें ऐड करना है रेसिस्टेंस की वोल्टेज और इसकी वोल्टेज, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो इनको ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ लगेगा। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो आप पैरेललोग्राम, इनफैक्ट यहाँ पर रेक्टेंगल बनेगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ऐसा आपका रिजल्टेंट आएगा कुछ। ठीक है, इसको हम यहाँ बना लेते हैं नीचे। तो जो रिजल्टेंट आएगा, दिस इज द वोल्टेज, तो ये नेट वोल्टेज आई आपकी, ठीक है, ये नेट वोल्टेज है, इसको V बोल सकते हैं, V ऑफ द सर्किट। तो V हमारा ये आया। अब मैं आपसे पूछूं कि V का वैल्यू कितना है, तो V का वैल्यू कितना आएगा, V या E जो भी बोलोगे आप, V का वैल्यू आएगा रूट ऑफ VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, है ना। दिस इज द RMS वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। तो V क्या होगा, ये वाला V होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा RMS वोल्टेज आया। अब अगर हम बात करें कि अगर आप बात करें पीक वोल्टेज का, तो पीक वोल्टेज का भी सेम बनेगा, ऐसे ही बनेगा। पीक वोल्टेज में भी VL नॉट इधर ऊपर बनेगा, VC नॉट नीचे बनेगा करंट से VR, तो सेम फॉर्मूला बनेगा उसके लिए भी, है ना। अच्छा, अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन आ गया, वोल्टेज आ गया है या करंट आ गया है, तो क्या बोलोगे आप, एलसीआर सर्किट में वोल्टेज आगे है या करंट आगे है फेजर डायग्राम में, करंट आगे, वोल्टेज आगे, वोल्टेज है ना, आप ऐसे एंगल मेजर करते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हो, तो ये वोल्टेज आगे हुई ना यहाँ पे, नहीं, यस सर, यहाँ पे आपने वोल्टेज को आगे, यहाँ पे क्या बोला था आपने, वोल्टेज को आगे बोला था ना जब ऐसा था ये, यस सर, तो ऐसी केस यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री था, और यहाँ पे जो एंगल होगा उसको हम कुछ मानेंगे, फाई मान लेते हैं मान लो, तो ये एंगल फाई होगा, तो हम बोल सकते हैं वोल्टेज अहेड ऑफ करंट, बाय फाई, ठीक है।
तो ये केस कब आया, जब हमने इंडक्टर की वोल्टेज को ज्यादा मान लिया। अगर हम कैपेसिटर को ज्यादा मान लेते तो करंट फिर ऐड हो जाता बाय एंगल सम फाई फाई डैश। हमें फाई की वैल्यू निकालनी है कि फाई कितना आगे है, तो हम वो निकालने से पहले एक बार पहले इसका इम्पीडेंस भी निकाल लेते हैं। लास्ट टाइम ने पढ़ा था रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। कितनी वैल्यू होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस की, एल ओमेगा, एल ओमेगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωC होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बोलते हैं जब तीनों आ जाते हैं या दो आ जाते हैं तो हम बोलते हैं उसको कि वो हमारा क्या हो जाता है, इम्पीडेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम इम्पीडेंस निकालते हैं कि इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना है, टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इम्पीडेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि इम्पीडेंस हमारा कितना आएगा। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीडेंस को, रिएक्टेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्स सी और एक्स एल। यहाँ पे इम्पीडेंस इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड का जो वैल्यू आएगा वो आपका होगा वी बाय आई होगा, ठीक है। वी इक्वल टू आई आर होता है तो वी बाय आई आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आई से इसको देखूँ, ये जो मैंने लिखा है वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर, कर सकता हूँ ये। तो ये सॉल्व होके ये आ जाएगा, क्लियर। मैंने v इक्वल टू आई आर लगा दिया बस, यस सर, ठीक है। तो अगर मैं v बाई आई निकालूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, फिर xl माइनस xc का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। आई होप दिस इज क्लियर, यस सर, ओके, यस सर, सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हमारा इम्पीडेंस, ओके, तो ये हमारा इम्पीडेंस निकल आया कि सर्किट का इम्पीडेंस कितना है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले इसमें ये एंगल हम जो टेन हमने फाई निकाला था, इसका टेन फाई अगर हम निकालते हैं तो टेन फाई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ की वोल्टेज अपॉन में ये वाली वोल्टेज, ऊपर कौन सी वोल्टेज आएगी, वी एल माइनस वी सी, ये वोल्टेज इसके बराबर होगी। तो वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर, ये लिख सकते हैं हम लोग। और इसको जब आप आई आर की फॉर्म में लिखोगे तो यू कैन राइट एक्स एल, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय आर, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय आर इज टेन फाई। ठीक है, क्लियर, यस सर, ओके। तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होने के लिए क्या कंडीशन होगी यहाँ पे, कि सेम फेज में हो जाए करंट और वोल्टेज, वीएल और वीसी कैंसिल कर जाए, तो आपका फाई जो है जीरो आ जाएगा। तो वो केस कब होगा, जब आपका एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होगा, यस, यस सर, है ना। तो अगर हमारा इफ यस सर जेड इक्वल टू आर भी बोल सकते, तो जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, बिल्कुल, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट जेड इक्वल टू आर हो जाएगा एंड फाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो बोथ आर इन द सेम फेज, तो आई एंड वी आर इन द फेज। और सर्किट को क्या बोलेंगे हम, कैसा सर्किट होगा ये, रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ऐसा प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस में होता है ना कि दोनों सेम फेज में हो, तो ये सर्किट हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा, ठीक है। अगर उल्टा हो गया, मान लो एक्सएल ज्यादा हो गया या एक्सी ज्यादा हो गया, एक्सएल अगर ज्यादा हुआ तो मैंने आपको बताया था इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा एक तरह से, यस सर,
या इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट हो जाएगा, और सर 10-5 पॉजिटिव भी होगा, 10-5 पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर एक्स सी ज़्यादा हो गया तो फिर यहाँ पे आपका हमने लिखा था पीछे नहीं लिखा था, अगर हमारा एक्सेल ज़्यादा होगा तो फिर क्या ऐड करेगा हमारा, फिर वोल्टेज ऐड कर जाएगा, और अगर ये होगा तो कैपेसिटिव सर्किट, और फिर हमारा करंट ऐड होगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है जो आपने पीछे बनाया था, ये वाला जहां पे आपने ये सब निकाला है, तो ध्यान रखना कई बार आपको वोल्टेज पता होगी तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और कई बार आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये सब पता होंगे आपको, तो आपको फिर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दोनों सेम चीजें हैं, और इस ट्रायंगल से कई बार हो सकता है आपको कॉस थीटा निकालना पड़ जाए, कॉस फाई या साइन फाई निकालना पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रायंगल में क्या था, कैसे कैसे ये आया था, तो चीज ध्यान रखिएगा। यस सर। थर्ड वाले में 10-5 नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड वाले केस में 10-5 विल बी नेगेटिव, है ना? तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अभी आप एक चीज और देखो, आपका जो करंट है, करंट मैक्सिमम कब आएगा? जब जेड मिनिमम होगा। yes. तो वो कंडीशन कब आएगी? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में तो करंट विल बी मैक्सिमम when Z is minimum for a given circuit, है ना? This implies that Z equal to R हो। Z minimum कितना हो सकता है? Z equal to R? Yes sir. And this ये कब होगा? This implies that when XC equal to XL हो जाएगा, यानी 1 by omega C equal to omega L हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि omega square इक्वल टू 1/LC हो जाएगा, या फिर ओमेगा इक्वल टू √LC हो जाएगा, और ओमेगा को हम 2πf भी लिख सकते हैं। यानी जब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, किस चीज की फ्रीक्वेंसी है ये? करंट की फ्रीक्वेंसी। तो जब करंट की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी तो यूअर इम्पीडेंस विल बी मिनिमम एंड करंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये रेजोनेंस कंडीशन है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएं, और बात करते हैं हम लोग, मान लो सर जेड मिनिमम जब होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। जेड एक तरह का रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो आर में क्या फर्क पड़ेगा? आर में फर्क पड़ता है कुछ रेजिस्टेंस में? नो सर, नहीं पड़ता। आर हमारा कांस्टेंट रहता है, आर में ओमेगा का फैक्टर नहीं आता ना कोई। अच्छा, अब अगर हम एक्सएल की बात करें, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ओमेगा एल क्या होगा? बढ़ेगा।
क्योंकि एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, तो जो एक्स एल है इक्वल टू ओमेगा एल ये बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो अगर आप का केवल इंडक्टिव सर्किट होगा अकेला और आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो करंट की, तो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा? इंडक्टिव सर्किट बताओ, अपोज करेगा सपोर्ट करेगा? इंडक्टिव सर्किट में आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रिएक्टेंस, तो करंट को क्या करेगा, वो कम करेगा, कम कर देगा। कम कर देगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देगा ये। तो जितना आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कि उतना ही अपोज करता जाएगा, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था हमने ये। और कैपेसिटर का होता है 1/ωC, तो उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ रिएक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसका ग्राफ आप बनाओगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो कैपेसिटर जो होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी को आराम से पास होने देगा, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में को पास नहीं होने देगा, नहीं डीसी को पास नहीं होने देगा, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर है या दोनों का वैल्यू बराबर है सेम पॉइंट में? अच्छा, अगर आप जेड की वैल्यू की बात करें, जेड की जो वैल्यू है वो क्या होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने पे? जेड की वैल्यू ये है आपकी ना, यहाँ लिख लेते हैं, जेड हमारा जो होता है वो ई आर था, आर स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर। तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा, पहले तो ये घटेगा, मान लो फ्रीक्वेंसी जीरो है पहले, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो ये चीज जीरो हो गई ओमेगा एल, और ओमेगा सी इनफाइनाइट हो गया, तो जेड का वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट, यस सर। इनफाइनाइट आएगा पहले तो जेड का वैल्यू। फिर मान लो आपने कोई वैल्यू डाली उसमें 0.1 समथिंग, तो इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी ओमेगा एल की, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, तो कुल मिला के वैल्यू ज्यादा होगी लेकिन इनफाइनाइट से कम होगी, तो ये वैल्यू घटी या नहीं थोड़ा? तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के वैल्यू कम होती जाएगी आपकी जेड की। एक केस आएगा जब आपके दोनों बराबर हो जाएंगे, जो कि आपने भी देखा था केस, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे इस फ्रीक्वेंसी पे तो ये वैल्यू जेड की आर के बराबर हो जाएगी। तो यहां तक हमारा जो सर्किट होगा कैसे बिहेव करेगा, वो क्या सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा, क्योंकि जो मेन आपका वैल्यू एक्स का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, जब कम फ्रीक्वेंसी होगी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर आप और बढ़ाओगे इसको तो अब ये इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, है ना। तो यस सर। यहाँ पे आपका एक इक्विलिब्रियम होता है बीच में जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, तो जो जेड की वैल्यू है वो शुरू में भी ज्यादा है और बाद में भी ज्यादा है, बीच में वो मिनिमम हुई है कब, जब आपकी वैल्यू दोनों एक्स सी और एक्सएल बराबर हुए, यानी यहाँ पे मिनिमम हुई है वैल्यू, और वैल्यू कितनी हुई है आर के बराबर। तो यहाँ पे इसका ग्राफ अगर बनाऊंगा तो ऐसा बनना चाहिए कुछ, जेड का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो वो आर के बराबर वैल्यू आएगी उसकी, वेयर एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होगा। तो ये जेड का ग्राफ ऐसा कुछ बनना चाहिए, क्लियर है ये? यस सर। इट विल टेंड टू इन्फिनिटी दिस साइड, अगर आप जीरो पे जाओगे तो इन्फिनिटी तक ट्रेंड कर जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। इतना क्लियर हुआ सबको? लास्ट ओके, क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है कोई? क्लियर है सर। ठीक है, सर दोनों साइड इंफिनिटी को टेंड करेगा। हाँ, लेकिन जीरो वाली साइड को, मैंने नेगेटिव वाली साइड को बहुत जल्दी ट्रेंड कर जाएगा, क्योंकि गैप बहुत कम है ना वहां, तो बहुत लेट में करेगा इन्फिनिटी पर ट्रेंड, राइट साइड पे। यस सर। सर आपने वो इंडक्टर वाला क्या बताया इंडक्टर वाला क्या, था?
की कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं पास करेगा सर। मैंने कहा था उसका जो एक्स एल आपका जो ये होता है एक्स एल वो ओमेगा एल के बराबर होता है, तो कम फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू कम आएगी। यस तो एक्स एल लेस है तो यार इसको आराम से पास होने देगा कम फ्रीक्वेंसी वाले करंट को, और ज्यादा तो कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को अपोज करेगा थोड़ा। यस तो उसको आराम से पास नहीं होने देगा, अपोज करेगा। तो अगर आपका हाई फ्रीक्वेंसी का करंट होगा तो इंडक्टर उसे अपोज करेगा, बैक ईएमएफ लगाएगा वहां पे। ठीक है तो लेस फ्रीक्वेंसी किसमें लिखते हैं हम लोग, उसमें डीसी में मान के चलते हैं तो डीसी को आराम से पास होने देता है। ओके तो ये हमारा एलसीआर सर्किट था। अब हम लोग अगर अकेले अकेले सर्किट को देखें तो फटाफट देखो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। मैं एलआर और सीआर को डिस्कस कर लेता हूँ पहले। एलसी सर्किट एक स्पेशल केस है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एलआर को कर लेते हैं। तो मान लो एलआर सर्किट है आपके लिए बहुत ईजी है। अब एलआर सर्किट मतलब इंडक्टर और रेसिस्टर लगे हुए केवल, एसी सोर्स है, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस। वी नो दैट अगर करंट यहाँ पे है तो वी आर भी यहाँ पे आएगा सेम फेज में, और वी एल कहाँ बनाऊँ, ऊपर या नीचे? वोल्टेज इन इंडक्टर कहाँ बनाऊँ? ऊपर 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 आएगा, है ना। तो वी एल हमारा आगे होता है करंट से 90 डिग्री, तो ऊपर बनेगा, और नेट अगर आप बनाओगे इनका रिजल्टेंट तो आपका वोल्टेज यहाँ बनेगा। एंगल आप निकाल सकते हो अब। अगर आप टेन फाइव निकालोगे तो टेन फाइव की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, वी एल बाई वी आर। ठीक है, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इजी है। यस सर। ओके, जेड आपका अगर आप निकालोगे तो एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये वाला तो इजी है सर। क्या चीज वाला सर्किट तो इजी है? इजी है ना, आपने बड़ा वाला पढ़ लिया ना पहले ही। यूजुअली जो है पहले ये पढ़ा जाते हैं फिर लास्ट में एलसीआर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा आपका। और अगर आप सीआर सर्किट की बात करोगे थोड़ा सा वो हो जाएगा। आई यहाँ होगा इसमें और वी आर यहाँ पे होगा और वी सी का होगा, फिर नीचे बनेगा करंट आगे होता है क्योंकि। रिजल्टेंट आप बनाओगे तो यहाँ बनेगा, फाई एंगल नीचे बनेगा। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पहले तो जेड लिखूँगा, तो जेड मेरा हो जाएगा एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और टेन फाई अगर निकालूँगा तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो एक्स सी बाय आर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसको रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं, सॉरी टेन फाइव को निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको? लास्ट स्लाइड कर दीजिए एक बार। हो गया डन सर। ओके चलो, तो ये हो गया। इसका जो लास्ट सर्किट बचता है वो एलसी सर्किट बचता है। तो एलसी सर्किट एक स्पेशल, मिनट सर, सीआर वाला दिखा दीजिए। हाँ, एलसी सर्किट जो है एक स्पेशल केस है, उसको हम अलग से देखेंगे।
पहले इन तीनों सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन करते ताकि आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपके आपको आइडिया हो जाए एक्चुअली क्या करते हैं. ठीक है, डन. ओके सर. हाँ जी सर. एसी के एलआर और सीआर सर्किट में हम ग्रोथ और डीके ऑफ करंट या चार्ज को नहीं पता करते. नहीं मतलब कह रहे हो यहाँ पे डीके और ग्रोथ ऑफ चार्ज का वो टाइम का फॉर्मूला वो निकालने का. यस सर. नहीं यहाँ पे डिस्कस नहीं करते वो, क्योंकि बार बार वो होता रहता है ना डीके ग्रोथ, तो बार बार चलता रहता है. अलग आते हैं इसमें उस वाले से अलग ही आएगा. हाँ अगर आप निकालोगे तो अलग ही निकलेगा, क्योंकि वोल्टेज इटसेल्फ इज वेरिएबल ना, वहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट थी. यस सर. तो फर्क पड़ेगा, वोल्टेज वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन में फर्क पड़ जाएगा. ठीक है. यस सर. ओके सर, ये जो सीआर सर्किट था और एलआर था उसमें वही सेम आएगा ना जो कैपेसिटेंस वाले सर्किट में होता है और इंडक्टिव सर्किट में होता है. नहीं लेकिन आर भी है ना यहाँ पे, वहाँ पे आर नहीं था ना, वहाँ पे जो एंगल आर था 90 डिग्री आर था आपका. आगे कौन सा होगा ये कैसे पता चलेगा, करंट आगे होगा या फिर वोल्टेज? अरे पता कैसे चलेगा, फेज डायग्राम नहीं बनाया आपने, ये यहाँ से पता चल रहा यहाँ पे कौन आ गया. यस सर. तो वही तो कह रहा था करंट आ गया. हाँ करंट आ गया ना यहाँ पे, वोल्टेज नेट ये आ रही है आपकी और करंट यहाँ पे है. yes, sir. तो करंट इतना डिग्री आ गया है, 5 डिग्री यहाँ से. yes, sir, तो फिर फेजर डायग्राम से पता चलेगा ना, तो फेजर डायग्राम बनाओगे जब. yes, sir. एलआर में आपने बनाया तो एलआर वोल्टेज आ गया थी. ठीक है सर. कैपेसिटेंस वाले सर्किट में भी तो यही होता है ना कि मतलब 190 डिग्री. हाँ लेकिन 90 डिग्री आगे होती है ना वहाँ पे. वहाँ पे वहाँ तो डायरेक्ट आया था कि 90 डिग्री आ गया है सीधा, ऐसे थोड़ी लिखते हो आप XC by R. yes. ये रेसिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज दी हुई है, डायग्राम में लिखी हुई है. ये 160 वोल्ट है. इन द सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ द चौक कॉइल इज एल एन आर, वोल्टेज अक्रॉस एल एन आर ऑल्सो गिवन इन द फिगर. ये कह रहे हैं वट इज द वर्चुअल वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, वर्चुअल मतलब आर एम एस वैल्यू. ये 160 है. कितनी होंगी? टू हंड्रेड सही है. डन सर. डन. तो आपको वोल्टेज निकालनी है नेट, दोनों वोल्टेज को आप बनाओगे जब फेजर में, उनको ऐड करना है बस. तो वोल्टेज आपको पता है यहाँ पे आर की वोल्टेज तो यही आने वाली है जो कि 120 है, और एल की वोल्टेज जो होती है वो करंट अगर यहाँ पे बनाओगे तो वोल्टेज में आगे होगी, तो वी एल यहाँ पे आ जाएगा. इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो तो वी आपका जो आएगा रिजल्टेंट आ जाएगा दोनों का. तो 10 की पावर अलग कर लो, इसका आ जाएगा 44 प्लस 196 200 300. क्या रहा, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? 100 200 300. अच्छा 256 है. अच्छा मैंने 14 का लिख दिया, तभी कहूँ मैं गड़बड़ क्यों आ रहा है. तो ये 300 400 है ना, 400
इनटू दस का स्क्वायर, तो ये आ गया 20 × 10 विच इज 200 वोल्ट। ठीक है, ये क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। ओके, ये दिया हुआ है आपको डायग्राम। इन द सीरीज एलसीआर सर्किट वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग आर, आपको बताना है वोल्ट मीटर और यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है ये, तो आपको बताना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। एम्पीयर और 100 वोल्ट। 100 वोल्ट सही है, 2 एम्पीयर भी सही है। करेक्ट। डन सर। डन, इजी है। तुम एक्स और एक्सी बराबर yes. माने वीएल और बीसी बराबर आ रहे हैं, 400 400 आ रहे हैं दोनों। ये 400 है, ये 400 है, और ये आपकी अननोन है VR। तो जो V आएगा यहाँ पे VR के बराबर आएगा, V आपको दिया हुआ है 100, तो VR 100 हो जाएगा। ठीक, इजी है। तो फिर करंट निकालना है आपको, करंट आपका होता है V बाय Z, Z यहाँ पे R के बराबर होगा। निकालो, बाकी लोग भी देखो। डन सर। डन। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे लास्ट में, तब समझ लो कंसेप्ट। हो गया सबका? ये किसी का रह गया अभी? कुछ लोगों का रह गया लग रहा है मुझे भी। हुआ बाकी लोगों का? एक मिनट ट्राई कर रहे हो? करो। आई हमारा V बाई जेड होगा, डन।
और किसी को डाउट इसमें भी? अभी है तो पूछ लो, फिर आगे और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे क्वेश्चन। क्लियर है सबको? यस सर। ओके ये आपका सोर्स यहाँ लगा हुआ है, इसमें ये एमीटर है, ये रेसिस्टेंस है 6 ओम का, और यहाँ पर ये ऐसे है इंडक्टर कैपेसिटर। कैपेसिटर है 50 माइक्रोफेराड, इंडक्टर 5 मिली हेनरी विद रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, एंड हेयर इज अ वोल्ट मीटर अक्रॉस बोथ। क्वेश्चन इज जो आपने अप्लाइड किया है एसी सोर्स जो आपका है, इसका जो वी है दैट इज 20 cos 2000 t, ये इसका वोल्टेज है। तो ये बोले नेगलेक्टिंग द सोर्स रेसिस्टेंस इन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, सॉरी नेगलेक्टिंग द सोर्स रेसिस्टेंस द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग इज, द वोल्ट मीटर और एमीटर रीडिंग क्या होगी? सर 2 एम्पीयर एंड 40 वोल्ट। टू तो नहीं है, 1.4 है मेरे ख्याल से, 1.4 और 5.6, 5.6 वोल्ट, 1.4 एम्पीयर लिखा है यहाँ पे। आपका क्या रहा, 2 और 2 एम्पीयर और? फोर नहीं, एक ऑप्शन है 2 एम्पीयर और 8 वोल्ट। ट्राई करो सब लोग दोबारा। आपको यहाँ पे ओमेगा पता है, एल पता है, ओमेगा एल आपको आ जाएगा
प्लस वन बाय ओमेगा सी आपका ये भी 10 ही आ रहा था। दस आ रहा, पाँच दुनी 10 और 3 और 1 4। ठीक है, तो ओमेगा सी यानी एक्स सी भी हमारा 10 आ रहा है, एक्सएल भी आ रहा है। हमें चाहिए वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग चाहिए, है ना। तो आर आपका अगर देखें आप सर्किट में, तो आर भी आपका 10 है। तो मिनिमम वाला केस हो गया। ये मिनिमम वाला केस ही हो गया। हाँ, मिनिमम वाला केस आपका ओमेगा एल और ओमेगा सी बराबर आ रहा है। तो सर 2 एम्पियर नहीं आएगा करंट? तो करंट आपका जो आएगा 2 एम्पियर। वोल्टेज कितना हमारा 20, 20 तो पीक है। करंट अगर उसने पूछा तो यानी आरएमएस वैल्यू पूछी होगी ना। तो हाँ, तो 2/√2 करना पड़ेगा। तो ये हमारा ओमेगा निकला इन दोनों से, ओमेगा सी निकला, वो ये आया। आपको ये पता है, आपको एक्स सी पता है। आपको आर पता है। यू हैव टू फाइंड द करंट। आई आपका जो आएगा कितना आएगा, वी बाय जेड। जेड आपका आर आ जाएगा। देखो कितना आंसर आ रहा है, आ रहा है 1.4। करंट 1.4 आ रहा है और जो V की वैल्यू आ रही है वो 4√2 आ रही है। 4√2 56 दिया है यहाँ पे, 1.4 × 4। हाँ ठीक है, तो वही बचा। 5.6 दिया है यहाँ पे। तो यस सर, आगे यहाँ पे ध्यान रखना, जब कुछ नहीं बोलेगा तो फिर वो आरएमएस वैल्यू बोल रहा है, यानी ये ध्यान रखना बस। बाकी लोगों ने निकाला, हाँ जी, बाकी लोग अभी निकल पाए, नहीं निकल पाए। जेड आपका जो होता है, क्या बोल रहे हो, निकाल रहे हो। जेड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10, यानी कि 10 आ जाएगा। तो जेड हमारा 10 है, आई हमारा वी बाय जेड होता है। वी यहाँ पे दिया है आपको 10, क्या लिखा था, cos 2000 20 cos 2000। तो ये एक्चुअली ये वी है और ये आपका जेड है। इससे जो वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी इससे। लेकिन हमें चाहिए आरएमएस वैल्यू, तो आई आरएमएस जो आएगी आपकी, I0/√2 कर देंगे, 10/√2, सॉरी 2/√2। जस ये आपकी आरएमएस वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, बाकी लोगों का निकला नहीं निकला भी है, निकल गया निकल गया था। किसी को डाउट है तो बताओ अभी। सर। नो no. दूसरा उसने पूछा था कि व्हाट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग, यानी वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस रीड करेगा। अब अगर इसके अक्रॉस रीड करेगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वीसी,
वो होगी आई इंटू एक्स सी, और इसके अक्रॉस होगी आई इंटू एक्स एल। ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे आपस में क्योंकि एक्स और एक्स सी बराबर हैं, तो जीरो आ जाएगा नेट। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है तो एक और वोल्टेज आएगी यहाँ पे आई आर, तो इन दोनों का वो तो जीरो आ जाएगा नेट, कट जाएंगे आपस में, केवल आई आर बचेगा। तो आई आर हमारा आंसर होगा, आई आपने निकाल दिया यहाँ पे, आई आपका 1.4 आया है, तो वी आपका जो आएगा वो आई इंटू आर आएगा, विच इज 1.4 इंटू 4 ओम का रेजिस्टेंस वहाँ पे, तो 5.6। दिस इज द वोल्टेज, आर एम एस वोल्टेज मेजर्ड बाय दिस वोल्ट मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? Yes, कैंसिल कैसे हुए? क्योंकि दोनों बराबर है ना, वैल्यू बराबर तो आ रही दोनों की भाई, आपका एक्सएल और एक्ससी बराबर है। अब एक्सएल की जो वी की जो वैल्यू आएगी, वी सी वो होगा आई इंटू आर, आर मतलब एक्ससी, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वी सी की वो आएगी आई इंटू एक्ससी, और वोल्टेज पीछे होगी यहाँ पे, तो आई इंटू एक्ससी होगा, ये आई इंटू एक्सएल होगा। अब एक्सएल और एक्ससी बराबर है और आई भी बराबर है, तो कट जाएंगे आपस में, तो ये बचेगा बस आई आर। ठीक, और डाउट होता किसी का? नहीं है, ओके ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है आपका, अरे ये कर लेते हैं, रुको। are connected, these three are connected in series, across a source this source question hai, the power loss in the circuit is, आपको पावर लॉस इन द सर्किट निकालना है ना? तो पावर लॉस में एक चीज और बताता हूँ आपको, अभी हमने साइड डिस्कस भी नहीं किया। अगर आपका वोल्टेज मान लो ये है, या करंट ये है और वोल्टेज यहाँ है, तो जो पावर होती है आपकी, फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है फॉर्मूला वैसे तो, ओके, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बन जाता है वी आई कॉस फाई, पावर फैक्टर आता है, तो आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको टेन फाई निकाल सकते हो, तो कॉस फाई भी निकाल सकते हो, ट्राई करो एक बार, देखो निकाल पाते हो, निकाल पाते इसे।
आंसर क्या आ रहा है? एक मिनट, आंसर्स खा रहा है। आप लोगों कितना है? कितना? इसका आंसर दे रखा है 1, 1 मतलब 0.79 वॉट बोल रहे, 0.8 वॉट लगभग। मेरा 0.69 आ रहा है। अच्छा, 79 बोल रहा है। देखो, चाहे हो सकता है गलत हो, चेक कर लेंगे। सर, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हमारा आई आ गया था, एक मिनट और फिर हम एक मिनट में खोलने दो। पिछला वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला? हाँ ठीक है। कितना? 0.8 है क्या? 0.79 इज द आंसर। तो सर, इसमें अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको आई एक्सएल से और फिर जो कैपेसिटर उसको आई एक्सएल से जोड़ के ऐड कर दे तो भी नहीं आता? हाँ, लेकिन उसको ऐड उससे करना पड़ता है ना, आपको कट जाते हैं, मतलब नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये हम आरएमएस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात नहीं कर रहे। तो दोनों का जो वोल्टेज होगा अपोजिट फेज में होगा, तो तब भी आएगा आंसर। सर, अगर अपोजिट फेस में आएगा तो इन दोनों, हाँ इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जीरो नहीं आनी चाहिए टोटल? हाँ, जीरो आएगी अगर केवल यहाँ पे रेजिस्टेंस ना होता है 4 ओम का, तो जीरो आता आंसर, अगर केवल ये एक्सएल और एक्सी होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि है ना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आर भी है 4 ओम का, इंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस है, इसलिए वैल्यू आंसर आ रहा है, नहीं तो जीरो आता आंसर। जैसे आई आर जाता है। इसका देखो भी आंसर क्या आ रहा है, सब लोगों का 0.79 बता रहे हैं किताब वाले। तो ओमेगा एल का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? ओमेगा एल हमारा आ रहा है यहाँ पे, ओमेगा यहाँ पे दिया हुआ है आपको 314। ओमेगा ला जाएगा 314 इंटू 20 मिली हेनरी, तो ये हो गया आपका 628। 28 आ रहा है, एक पावर यहाँ की, दो पावर यहाँ, सही है, 6.28 आ गया एक्सेल। और अगर हम एक्स सी निकालेंगे तो 1/ω c करेंगे, ये है 100 माइक्रोफेराड, ये हो गया 10^4 × 314, यानी 10,000 तो कितना आएगा लगभग? 31.8 आ रहा है। ओके, तो मैं मान लेता हूँ सही है ये वैल्यू जो आपने बोली है, तो ये वैल्यू आ रही है एक्स सी एक्सएल की, आर तो आपको पता ही है 50 है। अब हमें चाहिए थी पावर लॉस, पावर लॉस के लिए मुझे चाहिए वी, वी तो मुझे पता ही है, आई चाहिए, आई निकालने के लिए मुझे जेड चाहिए पहले, तो और एक कॉस फाई चाहिए, ठीक है।
तो लेट अस ट्राई। तो पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, पहले जेड निकाल लें, सर। यहाँ तो एक्स सी माइनस एक्स एल होगा ना, क्योंकि यहाँ सी बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सर इमेजिनरी नहीं, तब भी इमेजिनरी नहीं आएगा। नहीं आएगा, स्क्वायर है ना। यस सर। तो ये आ जाएगा इतना, तो कितना वैल्यू आ रहा है, करा किसने सॉल्व? सर हम कॉस फाई निकालेंगे तो उसमें 50/z आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे निकालना चाह रहे हो, वो भी कर सकते हो। हाँ रुको, इस ऐसे करने पहले 7 में से 2 गया तो 5 आया, 11 में से 6 गया 5, सर ये दो 1848.72। कितना बताया आपने? 1848.72 अच्छा, पूरा रूट रूट निकल के निकल, नहीं रूट निकल के कितना आएगा पूरा? रूट में 2500 तो ये आ गया, 2500 और ये 625 मान लो, लगभग 25 का स्क्वायर है ना ये, 25 का स्क्वायर कितना? 625 होता है, 25 25, 625 प्लस 2500 लगभग, ये मान लो 3125 का रूट, इसका रूट निकालना पड़ेगा 3125 का। यस सर, मेरा गलत था। सर नहीं भी निकाले तो क्या हो जाएगा? छोड़ दें, छोड़ दिया सर, नहीं निकाले ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, कॉस फाइव में स्क्वायर हो ठीक जाता है। कट है, तो जेड आ गया हमारा ये। इसके बहुत तरीके भी आ गए और डिस्कस करेंगे इसको भी डिटेल में ना, अभी और भी चीजें इसमें। तो अभी मान लेते हैं कि जेड हमारा ये आ गया, ठीक है 3125। अब हमें चाहिए कॉस फाई, कॉस फाई हमारा हो जाएगा इस केस में, क्या बड़ा था हमारा इसमें, एक्स सी बड़ा है, तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं। सर वो 55 के करीब आ रहा है उसमें। जेड की वैल्यू कितना आ रहा है? 55 उसका स्क्वायर रूट। ओके एनीवे सर जो भी है, 56, तो यहाँ पे 55.9 है ना। ये 10 5 यस आया सर। है, दिस इज 10 5। हमें चाहिए था कॉस फाई, एक्चुअली कॉस फाई अगर आप निकालोगे यहाँ पे तो कॉस फाई आपका जो आएगा स्ट्रेंगल में एक्स एल माइनस एक्स सी, तो ये है आपका और ये आर है, सॉरी ये आर है, ये एक्स एल माइनस एक्स सी है और ये जेड हो जाएगा। आपको चाहिए था कॉस फाई, कॉस फाई आपका हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो आर बाय जेड हो जाएगा। एक्चुअली कॉस फाई की जो वैल्यू आएगी वो आर बाय जेड आएगी, है ना। अब हमारा जो फॉर्मूला है पावर निकालने का, वी आई कॉस फाई है, वी आई कॉस फाई, वी आपका जो था वो आपको दिया ही हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू 10/√2 आ जाएगी। आई की वैल्यू वी आर एम एस बाई जेड, ठीक वी आर एम एस बाय जेड कर लेते हैं, कॉस फाई में आर बाय जेड आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक इसमें से कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके तो भाई यहाँ पे जो हमारा आ गया 100/4, 100/2 आर बाय जेड का स्क्वायर, 100/2 आर बाय जेड का स्क्वायर, तो 50 आर आपका, सॉरी ये 50 हो जाएगा, आर भी 50 है, जेड आपका यहाँ पे आ गया था रूट ऑफ 3125। 56। हाँ तो स्क्वायर कर लिया, लेकिन अब स्क्वायर ही चाहिए ना आपको। यस सर। तो ये आएगा, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। आंसर क्या था? ठीक 0.79 दिया हुआ यहाँ पे आप है सर। लोगों
डन सबका 0.8 आ रहा है। हाँ ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं 0.8, क्या करोगे फिर बताओ? 0.79 कोई मारोगे? बाकी ऑप्शन 2.74 है, 1.13 है, 0.4 बहुत दूर है। तो ये सबको समझ में आया क्या किया हमने? यस सर। अच्छा अब यहाँ पे एक दो चीजें और हैं समझने वाली। कैपेसिटर में पावर लॉस कितना होगा अगर कैपेसिटर की बात करें हम? अगर आपका फॉर्मूला ये है कैपेसिटर पी इक्वल टू, हाँ केवल कैपेसिटर होगा जीरो, तो पावर लॉस कैपेसिटर में जीरो होगा क्योंकि उसका कॉस फाइनाइटी हो जाएगा। इंडक्टर में, इंडक्टर में जीरो। Because phi is 90 degree. अच्छा अगर इस ऐसे लग गया, मान लो सीरीज में लग गया पैरेलल, अब होगा या नहीं होगा पावर लॉस कैपेसिटर में? अब भी नहीं होगा अगर किसी के साथ लग गया, होगा या नहीं होगा? रजिस्टर के कारण तो हो जाएगा, रेजिस्टेंस में होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं होगा ना पावर लॉस? नहीं होगा, यहाँ पे होगा। कितना होगा आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, ऐसे कुछ होगा है ना? अच्छा यस सर। ठीक है अब इस क्वेश्चन में ये तो क्लियर हो गया सबको कि पावर लॉस कैपेसिटर में और इंडक्टर में कोई पावर लॉस नहीं होता, एसी में जब या ऐसा कुछ सर्किट होगा तो कोई पावर लॉस नहीं होगा। ठीक है यस सर। ओके अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने, इस क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट इज द पावर लॉस इन द सर्किट। पावर लॉस इन द सर्किट जो होगा केवल आर में होगा, तो आई स्क्वायर लिख सकते थे हम लोग। एलसीआर सर्किट में आई स्क्वायर आर, अब आई तो मुझे पता नहीं था इस क्वेश्चन में, तो मैं वी स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर करता इनटू आर, ये कर सकता था। yes. तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना था आपका, यही तो बना था यहाँ पे वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर हो गया था, ये जेड स्क्वायर हो गया और ये आर हो गया। ठीक है सर, ये पता होता मैं तो पहले से यही लगा देता। हाँ तो कर सकते थे, तो आपको नॉलेज धीरे धीरे होगी चीजों की भी पता चलेगा, तो ये भी कंसेप्ट है कि आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है यस सर। ओके किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ भाई। नहीं है तो ये चीजें मैं ध्यान रखनी है कि इनमें पावर लॉस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब, भी सिमिलर क्वेश्चन है लगभग। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ रेटेड पावर ऑफ 50 वॉट एट 100 वोल्ट इफ इट इज यूज्ड on an AC source of 200 volt and 50 hertz, तो क्या होगा अगर ऐसे यूज करेंगे तो? ज्यादा वोल्टेज तो बल्ब क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा ना। yes. बल्ब जो है 100 है ना, 100 वोल्ट के लिए है और आप 200 वोल्ट लगा रहे हो उसमें, तो ब्लास्ट कर सकता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा इसका। तो ये बोल रहे हैं ए चॉक कॉयल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड
चौक कॉइल मतलब इंडक्टर. अ चौक कॉइल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड विद इट इन सीरीज. ऐसा करना पड़ेगा हमें. द चौक कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ1.2 हेनरी. ओके एक मिनट रुको. वन पॉइंट हाँ ठीक है 1.1 है आंसर. ओके वन पॉइंट वन इज द राइट आंसर. इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ पावर ऑफ 50 वाट एट 100 वोल्ट. तो मतलब इससे जो करंट पास हो सकता है वो निकाल सकते हैं इससे ना. पावर इक्वल टू VI होता है. फिफ्टी इक्वल टू 100 I.
यानी सब 0.5 एम्पीयर करंट पास हो सकता है सेफली। अब आपने एसी सोर्स में यूज़ किया जहाँ पे आपने 220 वोल्ट की बैटरी लगाई, ईएमएफ सोर्स लगाया 50 हर्ट्ज का, और आपने बल्ब लगाया और एक चौक कोयल लगाई, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आनी चाहिए वो मैक्सिमम उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए 100 वोल्ट, या फिर करंट जहाँ से पास करेगा वो 0.5 एम्पियर होना चाहिए। तो करंट यहाँ पे जो है हमारा 0.5 एम्पियर होना चाहिए। अब करंट आपका जो होता है वो क्या होता है, वी बाई जेड, वो 0.5 होना चाहिए। वी आपका जो है 200 वोल्ट है, 200 बाय रूट टू कर लो, जेड आपका जो आएगा वो एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 0.5 होना चाहिए। सर वी को 200 ही लेंगे? हाँ, वी को यहाँ पे कितना लेंगे, वी है हमारा आई, हमने लिया वी को 200। सर एसी सोर्स ऑफ 200 है तो बस आरएमएस नहीं रखा। एक मिनट रुको, आई आपने जो लिया 0.5, वी आप करो 200 लेंगे। इससे मैंने वही लिया। ओके चलो अभी डिस्कस करते हैं। वी यहाँ पे अगर हमारा 200 लेंगे मतलब पीक वैल्यू ले रहे हैं, पीक वैल्यू यानी आप पीक करंट निकाल रहे हो, तो दिस करंट पीक नहीं सर, वो आरएमएस दे रखा है ना 200 वोल्ट, आरएमएस दे रखा है। अच्छा दे रखा है मैंने, हाँ 200 आरएमएस ही होगा, करेक्ट है, उसमें बोल नहीं रहा ना, मिस्टेक, यस हाँ करेक्ट है, बिल्कुल सही है, इक्वेशन ही दे रखी है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है, तो 200 ले लेंगे, तो 200 ही आया आपका। अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी तो निकाल लो, 200 बाय 0.5 करोगे तो 400 आ जाएगा, इक्वल टू उसको यहाँ ले जाओ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, 16 × 10^4 इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, आर आपका आर तो ऐसे निकाल ही सकते हो बल्ब का रेजिस्टेंस। सो स्क्वायरिंग करने से अच्छा है कि सर वी स्क्वायर बाय आर से 20 का स्क्वायर दे देते हैं। ओके वेरी गुड, 20 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको, तो 20 का स्क्वायर करेंगे इसे तो फिर आपका आ जाएगा 20 इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, डायरेक्ट ये हो जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये आपका आ गया 100 × 100/50 यानी कि 200, तो रेसिस्टेंस हमारा 200 था, यानी कुछ गड़बड़ कर वो उधर जाके स्क्वायर होगा ना, 20 का स्क्वायर है तो फिर पावर 4 हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी फिर तो, हाँ ये भी हमने गड़बड़ किया है, तो फिर तो ये आएगा फाइनली। तो आप क्या बोल रहे हो सोमिल? तो ठीक है इसको 16 × 10^4 करें फिर। यस सर, 16 × 10^4 इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल तो हमें निकालना है, अभी हमें निकालना क्या, एक्सएल निकालना, ओमेगा एल निकालना, प्लस आर का स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे, आर हमें पता है, आर हमारा 200 है, इसे सॉल्व करना है हमें और एल निकालना है यहाँ से। ठीक है निकाल के देखो सब लोग, ये आएगा आपका 2^4, 4 × 10^4 आ गया, तो ये 4 × 10^4 आ जाएगा, आएगा माइनस करोगे तो 12 × 10^4 हो जाएगा, ये इक्वल टू ओमेगा एल का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट कर लो, रूट करोगे तो 12 का रूट आ जाएगा, यहाँ पे 10^2 आ जाएगी, वो ओमेगा एल होगा, वहाँ से एल की वैल्यू निकाल लो। ओमेगा एल इक्वल टू रूट 12 × 10^2 आ रहा है, 2πf, एफ आपका 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, एल इक्वल टू रूट 12 × 100, रूट 12 तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 यानी 12 कैसे आ गया, कितना आ रहा है यहाँ पे,
12 ही तो आ रहा था, ये 16 था ना, 16 इंटू 10 की पावर 4 था, और ये सर वाला हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा ये, तो यहाँ जाके 12 इंटू 10 की पावर वो 4 कर देंगे। ये कर लेंगे, यहाँ पे आ गया 100 पाई इंटू एल, 100 से 100 काट लो, पाई से पाई नहीं कटेगा ये, पाई तो अलग है, ये एल आपका ये आएगा 2.173 बाय पाई का वैल्यू 3.14 आएगा, इसको सॉल्व कर लो, 2 3 6, 2 6 14, हासिल 1 2 1 2 1 3, 5 14, 314, 346। 12 कैसे आया ये नहीं समझ आ रहा है। अभी रुक जाओ, अभी आ जाएगा भाई। यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 16 × 10 की पावर 4 = ω L का स्क्वायर प्लस 4 × 10 की पावर 4, इसको जब सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, × 10 की पावर 4, इसको यहाँ ले जाओगे तो 10 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो 16 में से 4 गया तो 12। अब यस समझ सर, आए, यस सर, आया सबका आंसर ये? हमने हमने रूट टू से क्यों डिवाइड नहीं किया था वी को? हमने वी को रूट टू से डिवाइड, इस पे डिस्कस करते हैं भी, है ना। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको भी, वो भी डिस्कस करते हैं। बाकी क्लियर हुआ सबको? बाकी सब क्लियर है, मतलब सब कॉन्सेप्ट ये क्लियर है सब कुछ? यस ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना और कोई? ओके ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है इनका कि हमने वी को रूट टू से डिवाइड नहीं किया, क्यों करना चाहिए था वी को रूट टू से डिवाइड आपके हिसाब से? आरएमएस वैल्यू लेने के लिए। तो आरएमएस तो दी हुई है ना यहाँ पे, ये जो वैल्यू दी होती है आपको आरएमएस ही होती है ना, जब हम ऐसे लिखते हैं कि कोई क्वेश्चन सोर्स है में आप, है जो हाँ, जो आपको अगर कुछ लिखा नहीं हुआ ना वहाँ पे, तो उसे आरएमएस ही मानते हैं फिर। ओके सर। या तो उसने इक्वेशन दी होती है 200 कॉस समथिंग, तो फिर वो मैक्सिमम वैल्यू होती, जैसे पिछले क्वेश्चन जब आपने किया था वहाँ पे 200 कॉस करके लिखा हुआ था, तो वो मैक्सिमम थी फिर वो, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे 10 लिखा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये आरएमएस नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ और पूछने जा रहा था आप लोगों से, ठीक है। और तो डाउट नहीं है ना किसी उसमें? एक बार नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। डन, यस सर। ओके। अब मैं क्वेश्चन ये पूछने वाला था आप लोगों से इस क्वेश्चन में, कि यहां पे मैंने जो लिखा है वी बाय जेड इक्वल टू 0.5 लिया है, यानी ये जो करंट मैंने माना है इससे 0.5 एम्पियर जो यहां पे आया था, 0.5 एम्पियर करंट पास हो सकता है बल्ब से ये, ठीक है, इस केस में। तो मैंने इस केस में भी 0.5 माना उसे, है ना। लेकिन 0.5 जो मैंने माना है वो कौन सी वैल्यू माना है? मैंने आरएमएस वैल्यू माना है, मतलब मुझे ये नहीं मानना चाहिए था मुझे कि बल्ब से मैक्सिमम करंट 0.5 पास हो सकता है, तो 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा क्यों नहीं माना? मैंने इसको मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं मानी? मैंने मैंने आरएमएस वैल्यू मानी है इसको, क्योंकि मैंने इसको आरएमएस के इक्वेट किया है, ये सब मैंने आरएमएस लेके इक्वेट किया है, तो मैंने इसको आरएमएस क्यों मान लिया करंट को? मेरे को पीक वैल्यू माननी चाहिए थी, करंट से इससे ज्यादा वैल्यू पास करेगी तो जल जाएगा बल्ब मेरा, किधर हुआ मेरा क्वेश्चन? सर अगर पीक वैल्यू मानते तो हाफ करना पड़ता था सर। पीक वैल्यू मानते तो हाफ करना पड़ता, हाफ क्यों? जब पावर आते फिर हाफ हो जाते ना, तो फिर सेम ही हो जाता। पावर हाफ क्यों जाती है मतलब? सर जो जो हम एसी में पावर निकालते हैं हाँ, वो हाफ होती है ना किससे? सेम करंट फॉर डीसी। वो तो पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, हाफ कहाँ होते हैं, वो डिपेंड करता है पावर फैक्टर कितना है आपका, उस पर डिपेंड करेगा। और कोई जवाब इसका? कॉस 5 होने तक हाफ होगा।
कॉस फाई अगर 0.5 हो तब हाफ होगा, वी आई कॉस फाई है ना वैल्यू, तो वी आई तो होता ही है, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तब हाफ आएगा ना, तो कॉस फाई की वैल्यू 0.5 आनी चाहिए उस केस में, तब हाफ आएगा। ठीक है, तो वो तो केस नहीं है यहाँ पे, यानी कुछ और चीज़ है। मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, मेरा डाउट क्या है? यस सर, हाँ, मेरा डाउट ये है कि भाई आपने बोला कि बल्ब से, ये जो डीसी वाला केस था, आपने करंट निकाला तो बल्ब से 0.5 एम्पीयर करंट पास हो सकता है। फिर मैंने एसी वाला केस उठाया, जब मैंने एसी सोर्स लगाया तो मैंने बोला कि बल्ब से 0.5 RMS वैल्यू करंट पास हो सकता है, मैंने ये जो वैल्यू है करंट की है RMS मानी मैंने, तो पीक वैल्यू कितनी पास हो सकती है बल्ब से? 0.5√2। इसका मतलब ये हुआ जो बल्ब से पास हो सकती है, मैंने ये मान लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है तो मैंने वी को क्या लिया है, आरएमएस वोल्टेज ली है, और जेड से डिवाइड किया तो कौन सा करंट आएगा, ये आरएमएस करंट आया होगा मतलब ये, तो मैंने आरएमएस को 0.5 माना है, यानी मैंने ये मान लिया कि बल्ब से जो करंट पास हो सकता है वो 0.5√2 पास हो सकता है, मैंने ये मान लिया, तो ज्यादा हो गया करंट, तो करंट बल्ब जलेगा नहीं। डीसी में तो इतना करंट पास हो रहा था 0.5, उसके लिए रेटेड था ये, आप ज्यादा पास कर रहे हो। अब मेरा डाउट क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है, तो बताओ क्या आंसर होगा। मतलब अगर सर आंसर 1.1 आ रहा, मतलब ये 200 वोल्ट पीक वैल्यू है। 1.1 आ रहा था, 200 वोल्ट किया, नहीं पीक वैल्यू नहीं है, ये सही किया हमने, ये गलत नहीं किया हमने। क्वेश्चन मेरा बस ये है कि हमने 0.5 को यहाँ पे आरएमएस मान के सॉल्व किया, उससे हमारा आंसर आ गया, तो मैंने ऐसे करंट ये माना कि करंट यहाँ से आरएमएस वैल्यू 0.5 पास हो रही है और पीक वैल्यू 0.5√2 पास हो रही है, तो क्या ये अजम्पशन मेरा गलत नहीं है? 0.5√2 तो ज़्यादा वैल्यू हो गई। सर इसमें ऐसा होगा, अगर जब आई बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल जब पीक पे जाएगा तो जो वी है वो भी कम हो जाएगा, अच्छा, फिर और सब आई का जब आई कम होगा तो वी बढ़ जाएगा, तो इसलिए फिर उसको आरएमएस से रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे तो मैं अगर पावर निकालूंगा तो आई स्क्वायर आर करूंगा ना, तो वो तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आर तो सेम ही है इसका, और आई आपने ज्यादा पास कर दिया, वी तो को तो आरएमएस करंट तो वही करंट होगा ना जो डीसी वो करेगा, करेगा उसी के बराबर रहता है, तो करेक्ट जा रहे हो। इसलिए इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने उसको डिराइव इसी तरीके से किया है कि जिस टाइम इंटरवल जितना हीट डिसिपेशन डीसी का डीसी करंट का होगा, उसमें ही डिसिपेशन इस एसी करंट का होगा उस टाइम में। बिल्कुल, जब बल्ब जलता है, कोई बल्ब क्यों जलेगा, बल्ब हीटिंग की वजह से जलेगा। अब मान लो बल्ब से जो है 0.5 एम्पियर करंट पास हो सकता था वहां पे डीसी में, और एसी में आपने बोला कि इतना करंट पास हो रहा है, इतना, लेकिन इससे जो हीटिंग इफेक्ट आएगा वो तो इसके बराबर ही आएगा ना, अगर ये करंट 0.5√2 है और ये 0.5 है, तो जो हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू आएगी इसका, जो आर मैंने आपकी आरएमएस वैल्यू आएगी इसकी, वो इतनी आएगी 0.5, तो हीट तो उतनी निकलेगी जितनी 0.5 करंट से निकल रही होगी डीसी में, उतनी हीट 0.5√2 के करंट से निकलेगी यहाँ पे एसी में, बोल सकता हूँ मैं, ये हीट दोनों की सेम होगी। अगर एसी करंट 0.5√2 होता है, वही 0.5√2 वैल्यू तो एक बार आएगी ना, बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे आएगी, एक्चुअल वैल्यू तो इसकी चेंज हो रही है ना हमेशा, हर टाइम पे चेंज हो रही है वैल्यू, तो अगर मैं इसे हीट डेसिपेशन निकालूंगा तो हीट डेसिपेशन निकालने के लिए मुझे पीक वैल्यू लेनी चाहिए, आरएमएस वैल्यू लेनी चाहिए, आरएमएस वैल्यू लेनी चाहिए मुझे, तो अगर मेरी आरएमएस वैल्यू 5 आ रही है तो मेरा बल्ब सेफ है, 0.5 अगर आ रही है तो सेफ है मेरा बल्ब, 0.5 तो ना यहाँ पे 0.5 अगर आ रही है तो मेरा बल्ब सेफ है, तो इसलिए जो 0.5 वैल्यू है ये मैं पीक वैल्यू नहीं लूंगा एसी की, ये मैं आरएमएस वैल्यू लूंगा, तो अगर मैं बल्ब को ऐसे एसी पे लगा दूं जिसकी आरएमएस वैल्यू 0.5 होगी तो ये बल्ब सेफ है। आर यू गेटिंग? यस सर, तो बल्ब हमारा सेफ है। हाँ, उस केस में पीक वैल्यू हो सकता है ज्यादा आ जाए, पीक तो ऑब्वियसली इसका 0.5√2 आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो कुछ इंस्टेंट के लिए आएगा तो
उससे हीट से कितना हीट जनरेट हो जाएगी उसमें, ऐसा तो नहीं होगा एकदम से हीट बहुत सारी जनरेट हो जाएगी और जल जाएगा, करंट फिर डाउन आ जाएगा थोड़ी जब तक वो हीट जनरेट करेगा। तो ओवरऑल जो आपका करंट का हीट जनरेट होगा वो 0.5 के इक्विवेलेंट ही होगा, इसलिए बल्ब हमारा सेफ है फॉर 0.5। इसलिए मैंने यहाँ पे जो वैल्यू ली है वो मैंने आरएमएस वैल्यू ली है, ना कि पीक वैल्यू मानी है 0.5। समझ रहे हो आप? ये डाउट आपको आ सकता है पेपर में कि भाई 0.5 मैंने पीक क्यों नहीं मान ली, नहीं तो बल्ब तो जल जाएगा मेरा। क्लियर हुआ सबको? यस सर। पक्का सबको क्लियर? सोच रहे अभी लोग, क्लियर हुआ नहीं हुआ क्या बोला सर? इसमें जब दोनों में सेम हीट होगी तो पीक भी तो ले सकते हैं? नहीं, पीक लेंगे तो फिर तो हीट कम हो जाएगी ना। अगर आप 0.5 को पीक मान लोगे तो फिर तो हीट जनरेट उसमें कम आएगी। भाई मान लो एक करंट ऐसा है आपका 0.5 डीसी और एक आपने ऐसे मान लिया, तो ज्यादा हीट इससे तो कम ही जनरेट होगी ना। ये तो बल्ब 0.5 तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी, बाकी तो वैल्यू कम आ रही है 0.5 से, तो इसकी तो हीट जनरेशन कम आ जाएगी ना। तो ये तो सेफ है, तो इसमें तो पावर बल्ब पूरा यूटिलाइज ही नहीं होगा, बल्ब की पावर पूरी आएगी नहीं। बल्ब की पावर तब आएगी जब 0.5 के इक्विवेलेंट आप करंट भेजोगे। ये तो अंडर रेटेड हो गया बल्ब एक तरह से, आप पूरा यूज नहीं कर रहे। तो आपको इतना यूज करना पड़ेगा पॉइंट इतना, तब जाके इसकी वैल्यू पूरी आएगी। समझ रहे हो? ये वाला एसी और ये वाला डीसी आपस में इक्विवेलेंट है, लेकिन अगर आप एसी को इतना कर दोगे तो इक्विवेलेंट थोड़ी होंगे, तो कम हो जाएगी वैल्यू उसकी। ये दोनों इक्विवेलेंट है आपस में, ये तो कम है वैल्यू। क्या डाउट है आपका? और लोग बताओ, बाकी किसका डाउट है इसमें? तो ये समझ में आ गया नहीं सबको? यस सर। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो डन है, क्लास एंड है मेरे तरफ से। जिसको डाउट है वो पूछो यहाँ पे। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय ऑल ऑफ यू। सर, इस चोक कॉइल में इंडक्टर की जगह कैपेसिटर यूज कर दे तब भी काम बन सकता है? इस चोक कॉइल में अगर हम इंडक्टर या कैपेसिटर यूज करते तब भी काम बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। ऐसे कुछ क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, मैंने करते हैं। सर्किट में ऐसा भी आएगा कि कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। सबके अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव वो हैं इफेक्ट। सर, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। सर, जब डिक्रीज होगा तो इंडक्टर अपना करंट, सर नेट सर्किट में नेट करंट ज़्यादा हो जाएगा लेंथ लॉ से हम देखें तो। तो उस टाइम तो ये बर्स्ट कर जाएगा, ये बल्ब है। आप कह रहे हो कि इंडक्टर जब बैक ईएमएफ लगाएगा उसकी वजह से जो होगा? यस सर, जब डिक्रीजिंग करंट होगा उस केस में। डिक्रीजिंग के केस में करंट अगर डिक्रीज कर रहा है, हाँ हो सकता है, ये रिस्क भी आ सकता है इसमें कि बैक ईएमएफ के कारण करंट में फर्क पड़ सकता है, बन सकती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन हमने वो सोचा नहीं है यहाँ पे। यस सर। ओके, और बताइए, और क्या डाउट हैं? नो? चलिए ठीक है, फिर क्लास को एंड कर रहे हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए।